अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम है कैद आज़म जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर करते हैं वीडियो को आगाज़। दोस्तों, कैद आज़म जिंदाबाद फिल्म इस ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्म है जिसके स्टार कास्ट में शामिल हैं फहद मुस्तफ़ा और मायरा खान। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैद आज़म जिंदाबाद मूवी तीसरी पाकिस्तानी मूवी बन चुकी है जिसने पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया है। आज हम इस मूवी के 14 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस मूवी ने जो डोमेस्टिक बिजनेस किया है इस वक्त तक, यानी पाकिस्तान में जो बिजनेस किया है, वो प्रोड्यूसर्स के मुताबिक 18 करोड़ रुपए है। दोस्तों, बात की जाए इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूसर्स के मुताबिक 37 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। दोस्तों, इस मूवी के पास इस मंथ के कुछ दिन है और अगस्त का पूरा महीना है, क्योंकि अगस्त के महीने में कोई बड़ी पाकिस्तानी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, तो इन फिल्मों के पास अच्छा मौका है बिजनेस करने का। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कमा सकेगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। दोस्तों, अगर आप हमें हमारे चैनल के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह निगहबान।